हस्बैंड आ चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और मैंने रख दी है यहाँ पर चाय बनने के लिए, और साथ में मैं ये सामान भी भर रही हूँ, पानी भी भर लिया मैंने। हमारे यहाँ 6 बजे ना लाता है मैंने, जैसा कि आपको पहले बताया। तो ये सामान भी बहुत सारा भारी रखा था, ये सीड़ जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में मैंने डब्बे धोए थे तो वो ज़्यादा मतलब अच्छे से सूखे नहीं थे, तो मैंने शाम को जब अच्छे सूख गए इसलिए मैंने सोचा चलो शाम को भर के रख दूंगी। तो अब ये सामान सारा भर रही हूँ क्योंकि डब्बों में मैनेजमेंट भी बनाना पड़ता है, कौन से डब्बों में कौन सा सामान आएगा। छोटे डब्बों में छोटा ही सामान आता, बड़ों में बड़ा, क्योंकि क्या मतलब कि बड़े में आप छोटा सा सामान रख दोगे तो इतना बड़ा डब्बा वेस्ट जाता है, इसलिए तो बहुत देख देख के भी भरना पड़ता है। लगता है देखने में कि घर में कुछ काम नहीं रहता, बट सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहते हैं। वैसे मैं आलसी कर जाती हूँ, जब तबीयत ठीक नहीं रहती तो अच्छा नहीं लगता, तो काम करने का मन भी नहीं होता है। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि जब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी तब तक कुछ काम में मन नहीं लगेगा। मुझे लग रहा है मुझे हॉस्पिटल फिर से जाना पड़ेगा, जब तक मैं नहीं दिखाऊंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, क्योंकि आजकल ऐसी गंभीर गंभीर बीमारियां चल रही हैं तो डर भी लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। और सारा सामान मैं भर के यहीं पर रख दूंगी डब्बे, क्योंकि मॉर्निंग में मैं जब पेपर साफ करूंगी किचन के, क्योंकि पूरी सफाई मुझे अभी करना है किचन की, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि कुछ गेस्ट आएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, हो सकता घर में भी कोई आए, इसलिए साफ सफाई होना घर में बेहद जरूरी है। और इस वीडियो में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रही है। फ्रेंड ये मैंने भर लिए हैं, ये देखिए मैंने हमारे यहाँ का डी मार्ट है वहां से लेकर आई थी, बहुत अच्छा है, छोटे छोटे आइटम आपके आराम से इस कंटेनर में आ जा सकते हैं। ये पर उसका है ग्लास का, तो थोड़ा फूटने का डर लगता है इसलिए थोड़ी सेफ्टी भी रखना पड़ती है इसमें, बाकी प्लास्टिक वगैरह में नहीं रहता, पर प्लास्टिक के कंटेनर जल्दी खराब हो जाते हैं, पता उसमें से स्मेल आने लगती, और जो भी आप हल्दी वगैरह जैसे कुछ रख दिया आपने तो पीले पीले पड़ जाते हैं, और ये जो ग्लास के रहते हैं ये बिल्कुल अच्छे रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड आ जाइए चाय पी लीजिए, हमारे यहाँ इस टाइम खाने का टाइम होता 7:30 बजे, मैं चाय पी रही हूँ, हस्बैंड आए इसलिए मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, क्योंकि उनको तो सबसे पहले चाय चाहिए, चाय के इतने शौकीन हैं तो उनको दिन में आप 10 चाय भी दे दोगे तो वो खाना नहीं खाएंगे, वो चाय जरूर पियेंगे। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड, गुड नाइट।